होंडा एलिवेट जो सबसे न्यू मिड साइज एसयूवी है अपने सेगमेंट में, उसकी प्राइसिंग आ चुकी है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जापानी एसयूवी कितने वेरिएंट्स में ऑफर होती है और अपने साथ कौन से फीचर्स पैक करती है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उसकी प्राइसिंग शुरू होती है ₹11 लाख से और जाती है ₹16 लाख तक एक शोरूम। और इस प्राइस रेंज में हमें होंडा 4 वेरिएंट ऑफर कर रहा है और उसमें से 3 वेरिएंट ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ मिलते हैं। होंडा एलिवेट में आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और वो पेयर्ड है एक 6-स्पीड मैनुअल या फिर सीवीटी के साथ। और ये सेम सेटअप हमने होंडा सिटी में भी देखा है और ये दोनों ही सेडान और एसयूवी की ट्यूनिंग लगभग सेम है। होंडा एलिवेट की बेस वेरिएंट का नाम है एसवी और ये बस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर होती है। इसकी प्राइस है ₹11 लाख एक शोरूम। और सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। इसमें आपको दिखने मिलते हैं LED DRLs और LED प्रोजेक्टर लैंप्स, बॉडी कलर डोर मिरर्स और विंडो ब्रिम पर क्रोम और साथ में 16 इंच के स्टील व्हील्स भी दिखने मिलते हैं आपको। इंटीरियर की बात करें तो आपको बेज और ब्लैक टू टोन कलर स्कीम दिखने मिलती है, साथ ही में ऑफर किया जाता है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। इस बेस वेरिएंट के साथ ही आपको ऑफर होती है कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक टेलगेट लॉक और पुश बटन स्टार्ट। कैबिन में आपको और भी ज्यादा कन्वीनियंस फीचर देखने मिलते हैं जैसे पावर्ड ORVMs, क्लाइमेट कंट्रोल विद रियर AC वेंट्स और एयर प्यूरिफायर। ड्राइवर के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी अवेलेबल है और साथ में हाइट एडजस्टेबल सीट भी। आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर आपको पावर्ड सॉकेट देखने मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा एडिशन है बेस वेरिएंट में। स्टीरियो के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने मिल जाते हैं। अब आखिर में आते हैं बेस वेरिएंट की सेफ्टी फीचर्स पर। इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर, 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, 3-point सीट बेल्ट भी अवेलेबल है लेकिन वो सारे पैसेंजर्स के लिए नहीं, बस 4 पैसेंजर्स के लिए है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूडेड है ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट। अब बात करते हैं वी वेरिएंट की, जो बेस एसवी वेरिएंट से एक लेवल ऊपर है। इस वेरिएंट के मैनुअल ऑप्शन की प्राइस की शुरुआत होती है 12.11 लाख से और सेम सीवीटी ऑप्शन आपको कॉस्ट करेगा 13.21 लाख एक शोरूम ऑफ कोर्स। सीवीटी के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस वी वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता, बस 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं बट दिस टाइम विद व्हील कैप्स। कैबिन में आपको कुछ मेटल गार्निश मिल जाएंगे, साथ में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए सिल्वर नॉब्स भी होंगे। इस वेरिएंट में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी और इंटीग्रेटेड एलेक्सा। इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे और साथ में एक 4 स्पीकर का ऑडियो सेटअप भी। कैबिन में आपको 2 एक्स्ट्रा USB पोर्ट देखने मिलेंगे इस वेरिएंट के साथ। सेफ्टी के मामले में आपको सेम फीचर्स अवेलेबल किए जाएंगे जैसे SV में देखने मिलते हैं, पर इस V वेरिएंट में आपको रिवर्सिंग कैमरा भी अवेलेबल किया गया है। VX वेरिएंट के साथ आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलना शुरू हो जाते हैं। रूफ रेल्स भी देखने मिल जाएंगे और साथ ही में एक सिंगल पेन सनरूफ, 17 इंच का डायमंड कट अलॉयज भी मिल जाते हैं। VX वेरिएंट के कैबिन में चले तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे काफी सारे प्रीमियम टचेस, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर हेड कवर्ड गियर नॉब और स्टीयरिंग व्हील और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स डैशबोर्ड पर। आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट टच फैब्रिक अवेलेबल होगा और उसी के साथ स्टीयरिंग व्हील पर गन मेटल इंसर्ट्स भी होंगे। VX वेरिएंट में सेम 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, पर इस बार 6 स्पीकर का ऑडियो सेटअप है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और साथ में आपको एक 7 इंच की स्क्रीन मिलती है फॉर ड्राइवर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर मिल जाते हैं, साथ में एक लेफ्ट लेन वॉच कैमरा भी। इस वेरिएंट से आपको रियर वाइपर और वॉशर मिलना शुरू हो जाते हैं। इस VX वेरिएंट की प्राइस है ₹13.5 लाख फॉर द मैनुअल वर्जन और ₹14.6 लाख फॉर द CVT वर्जन। आखिर में बात करते हैं ZX वेरिएंट की, जो टॉप स्पेक वर्जन है एलिवेट के लाइनअप में। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग शेयर कर देता हूँ, वो है 14.9 लाख और 16 लाख फॉर मैनुअल एंड CVT रिस्पेक्टिवली। इस वेरिएंट में आपको काफ़ी सारे प्लस फीचर्स और प्रीमियम टचेस देखने मिलेंगे एक्सटीरियर पर भी और इंटीरियर पर भी। सॉफ्ट टच डोर लाइनर्स, लेदर अपहोल्स्ट्री और डार्क वुड फिनिश, ये सारी बातें इंटीरियर में होगी। 10.25 इंच का टच ऑपरेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद 8 स्पीकर ऑडियो सेटअप। और सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पर ADAS फीचर्स भी अवेलेबल किए जाएंगे। ADAS में आपको कोलिजन मिटिगेशन वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट, लीड का डिपार्चर वार्निंग और रोड डिपार्चर मिटिगेशन, ये सब देखने मिलेगा और साथ में इस वेरिएंट के साथ 6 एयरबैग मिल जाते हैं। होंडा एलिवेट की क्रैश टेस्टिंग अब तक कंडक्ट नहीं की गई है, पर यह गाड़ी बेस्ड है होंडा सिटी पर, जिसने आसियन NCAP टेस्ट में 5-स्टार रिजल्ट हासिल किया है, तो हमें ये लगता है कि एलिवेट की ओवरऑल सेफ्टी भी इम्प्रेसिव होगी।
होंडा एलिवेट के साथ बहुत सारे फीचर्स ऑफर कर रहा है, वो भी सबसे लोवेस्ट एसवी वेरिएंट के साथ ही। पर हमें लगता है कि वी और वीएक्स वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि वी वेरिएंट में आपको सारे बेसिक्स और उससे थोड़े से ज़्यादा फीचर कवर हो जाते हैं, और वीएक्स वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉप स्पेक फीचर्स मिल जाते हैं पर एडास नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप एसवी वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ये सजेशन है कि आप वी वेरिएंट तक अपना बजट एक्सटेंड करें, और अगर आपने वीएक्स वेरिएंट फाइनल की है तो बस आप एडास और 6 एयरबैग का ऑप्शन मिस आउट कर जाएंगे। और ये बात हमें थोड़ी खटक रही है क्योंकि होंडा ने अपनी सिटी के साथ लोअर वेरिएंट्स में से ही एडास का ऑप्शन देना शुरू कर दिया था, जबकि एलिवेट में एडास और 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको सिर्फ टॉप स्पेक में ही मिलता है। होंडा एलिवेट के साथ आपको स्टैंडर्ड 3 ईयर वारंटी मिलती है, पर आप उसे 4th और 5th ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ में होंडा का 10 ईयर एनी टाइम वारंटी प्रोग्राम भी अवेल कर सकते हैं आप एलिवेट के साथ। आपको क्या लगता है कौन सी है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होंडा एलिवेट की, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट कार इंडिया। मेरा नाम है आदित्य और मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा।